गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी का फिजिकल ट्रेनर राम परवेश महतो आज आपके सामने एसएससी जीडी रिलेटेड, क्योंकि पहले पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री मैंने रिलीज कर चुका हूँ, आज है पार्ट फोर। तो किस तरह से आपको ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होनी चाहिए और उसको आप फॉलो बैक करेंगे, ये आज की डेट है। मैंने आज की जो पार्ट फोर की शेड्यूल है, आप 5 मिनट घड़ी देख के 5 मिनट इंडोरेंस रनिंग छोटे कदम में दौड़ के चलेंगे, और 5 मिनट जैसे ही हो जाता है आप अपने पैर को रोक देंगे, और उसके बाद 25 मीटर वॉकिंग में चलेंगे, और 25 मीटर के बाद फिर 10 बैंड टच एंड एक सिंगल लेग शूटिंग, फिर खड़े होंगे और फिर 5 मिनट के लिए इस तरह से करते करते 5 मिनट की रनिंग करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे। उसमें आप अपने डिस्टेंस को देखेंगे जो मैं कहाँ तक पहुँचाऊँ। यदि आप 5-5 मिनट में यदि आप पहुँच जाते हैं 5 किलोमीटर, सो दैट आप लगभग तैयार हैं। अदरवाइज लगभग मतलब ये आपकी इंडोरेंस स्टैमिना बन रहा है, और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो शायद आज की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 5 मिनट दौड़ना है और आपको रेस्ट लेना है, रेस्ट मतलब 25 मीटर वॉकिंग, और शेड्यूल ऑन स्क्रीन आप देखते रहेंगे, और बेहतरीन शेड्यूल को आप फॉलो करिए। जो बिगिनर है, जो कि वेट बहुत ज़्यादा है, अचानक पन्ने खा बनने का कोशिश ना कीजिए, ताकि आप अपने पीईटी एग्ज़ाम से पहले आप चोट ना लगा दें, आप ऐसे कोई मसल प्रॉब्लम मतलब मसल के चोट के कारण आप ग्राउंड तक ही ना जा पाए, ये कदा ही नहीं होना चाहिए। यदि आप मेरे को फॉलो करते हैं तो इसको आप फॉलो करके आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, यह मैं कंफर्म के साथ आपको बोल सकता हूँ। सो दैट आप स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट फोर। फर्स्ट इनिशियल रनिंग स्लो 5 मिनट, जस्ट इंडोरेंस रनिंग।
यस, एक दो तीन चार पाँच छः, नेक्स्ट चेंज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वेरी गुड, छोटा, एक दो तीन चार पाँच छः, वेरी गुड, अप, लंबा सांस, ऊपर, नेक्स्ट, बिगिनिंग लर्निंग स्लो, तो 5 किलोमीटर की रनिंग में 5 मिनट की सिर्फ स्पेस रनिंग, और आपको रोकना है, इंटरवल देना है, क्योंकि आप बिगनर रनर होंगे। कई कई कमेंट नहीं कर देना, सर आप रुक क्यों रहे हो। जब एंडिंग पोजीशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिरी शेड्यूल दिखाऊंगा मैं भी आपके सामने, 24 मिनट तो दूर की बात है, 22 मिनट में भी 5 किलोमीटर को कंप्लीट करेंगे, ये मैं आपसे वादा है इस एज में भी। सो दैट नेक्स्ट शेड्यूल अगेन 5 मिनट रनिंग एंड जितने दूर आप जा सकते हैं। रेडी, देखो शरीर थोड़ा हल्का होगा, पैर खुलेगा, कभी भी आप एड़ी में ना दौड़े, ऐसे ना दौड़े, पहले पंजे फिर एड़ी, कोशिश करो पैर को करवाल गिराने का। जस्ट एक कदम मेरे से पीछे रहोगे,
इंच थोड़ा सा अब कुछ यार नीचे चलो
आपने देखे 5-5 मिनट का, 3 मतलब 15 मिनट दौड़े और हर 5 मिनट के बाद एक पॉज दिए। जैसे ही 3 बार आ जाते मतलब लग रहा आप 3 किलोमीटर से अभी तक ज़्यादा आ चुका हूँ, जो मेजरमेंट के हिसाब से 3 किलोमीटर से ज़्यादा। तो एक हल्का स्ट्राइड रनिंग कराना है, यहाँ 60 मीटर जाएगा और 60 मीटर वापस, मतलब 120 मीटर का, और ज़्यादा स्पीड नहीं, वो स्ट्राइड रनिंग होगा। अरे अनिमार शेख कहाँ तक जाएंगे? 1, 2, 30 तीसरा नंबर पोल देखा? यस सर। उस तीसरा नंबर पोल को टच करेगा, स्ट्राइड रनिंग से आएंगे, गो स्ट्राइड रनिंग होगा। पकड़ता है क्योंकि पंजे एंड एडी की कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट चेंज, ये तो बिगिनर हो बोल के जस्ट स्लो चेंज अप क्रॉस
अब देखें, पाँच पाँच मिनट के लिए चार राउंड कंप्लीट हो गया, तकरीबन पहुंच ही गए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 400 मीटर भी नहीं है, 400 मीटर भी नहीं है, और 400 मीटर ही पकड़ के रखिए, 400 मीटर ही बचा है। यहाँ से 60 मीटर एक, अभी स्प्रिंट में जाएंगे और स्प्रिंट में आएंगे, मतलब 120 मीटर। अरे अनिमा देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड लूंगा, अनिमा सेट गो। स्प्रिंट देख रहे हैं बच्चे लोग, आज की बच्चे पूरे के पूरे प्लास्टिक फौज हो चुका है, क्या ट्रेनिंग करेगा। इतनी इस उम्र में मैं इनके आगे भाग रहा हूँ और पीछे पड़ा हुआ है, और जुनून है मुझे तो सर फौज की नौकरी करनी है, फौज की नौकरी करनी है तो पसीना बहाना पड़ेगा। वेरी गुड, लास्ट राउंड, खड़ा जाओ जल्दी से, लास्ट राउंड है और हम लोग पहुंच गए।
पा रहे हैं, ये 5 किलोमीटर ख़त्म होता है और अभी भी समय बाकी था, तो लगभग आपने इसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है। तकरीबन 22 मिनट में आप 5 किलोमीटर, मगर इसी शेड्यूल को कंटिन्यू करेंगे, मगर शेड्यूल या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखने ना भूले। इस तरह से मैं जब तक आपका, मैं वादे के साथ बोल रहा हूँ, जब तक आपका 5 किलोमीटर के इंटरेंस यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं और यदि नहीं कंप्लीट करा पाया तो फिर मेरा ट्रेनिंग कराने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बिस्तर में ना सोइए, इसी शेड्यूल को कंटिन्यू जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आता हूँ पार्ट 4, तब तक करते रहिए। सो दैट आपके सामने मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, एंड जय हिंद, सत्यमेव जयते। वीडियो यदि अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का कीजिए, ताकि आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए मैं बना रहा हूँ। गांव घर के जो बच्चे नहीं आ पाता, एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाता, वो भी दहाड़ लगा सकता है, दैट्स मीन आप भी एकलव बन सकते हैं। द्रोणाचार्य क्या अच्छा एक चेला भी बन सकते हैं यदि आप पकड़ के रखें और इसको फॉलो करता रहे। सो दैट आपसे मैं गुरुदक्षिणा कुछ नहीं मांगूंगा, आपसे मैं सिर्फ इतना ही गुरुदक्षिणा मांगूंगा जो कि आप अपने SSC GD PAT में क्लियर, आप टेस्ट को क्लियर कीजिए, यही मेरा गुरुदक्षिणा है। और थैंक यू वेरी मच। आ जाओ बेटा, अभी तो आपका दहाड़ बाकी है।